क्योंकि यार एग्जाम आ गया दिसंबर में, एग्जाम देने और इसके बाद भाई कैब कूब छोड़ देनी है। वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख लो, ये लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मोहाली में। लो जी टायर चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है। ये पुराना लेके आए थे सेकंड हैंड, काम चल रहा है जी। आ देख लो ए आ बैठे रे मुंडे साडे। मैं निकला, दे दे चाबी। पक्का? चल ठीक है, चंगा ध्यान रखे। गौतम बुद्धा जी, ओ अपना इंडिया इजिप्ट पता नहीं कित्थे कित्थे बनाई पे, व्लॉग बनाना अलाउड नहीं है। चल ठीक है, ओके हाँ मैंने फ़ोन कर दी, लोड हो था। ठीक है ओके। रेड विजन ओवरसीज, हेलमेट पड़े हुए हैं इधर। मैं आया हूँ अभी यहाँ से सेक्टर 17 मार्केट। तो सेक्टर 17 में यहाँ पे आए थे हम जॉब का पता करने, वीज़ा इमिग्रेशन वाले वो जो होते नहीं, पहले माइग्रेशन में बोलता था, इमिग्रेशन होता है। जेड़ा मुंडा मेरे नाल दा सी गुरप्रीत विक्की, शायद पिछली वीडियो में देखा होगा, उसको जॉब गई है मिल, जॉब का पता करने आए थे क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, कैब वाला काम फेल हो गया। नहीं वो तो कैब एक्चुअली चलाता ही नहीं है, दोस्त था और आया था जॉब का पता करने। सेक्टर 17 यहाँ पे पता कर दिया। चलता हूँ यार बाइक उठा के सीधा यूनिवर्सिटी। चलो सीएनजी वाली गाड़ियाँ देख लो, ये देख लो कैब 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 और तीन चार इधर खड़ी हुई है वो देख लो। लो जी अमन दी बाइक आप ठालती है, बॉयज हॉस्टल नंबर 3 पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं जी। एंड बाय द वे आज यार नहाता नहीं, मैं नहा के नहीं आया हूँ, आज एक काम डन हो गया इसलिए मैंने सोचा व्लॉग बना लूं कि अपने दोस्त को जॉब मिल गई। और जो भी यार कैब बाइक टैक्सी वाला मुझसे राय लेता है कि क्या काम करना है, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें यार ग्रोथ नहीं है, है ना, तो इसलिए मैं वो एडवाइस नहीं देता, कोई और जॉब कर लो जिसमें कुछ सीखने को मिले। और यहाँ पे एंट्री डन, अंदर दाखिल हो चुके हैं भाई। और यार हॉस्टल में बहुत ही मज़ा, वाइब बहुत ही मतलब शांत माहौल होता है। और मैं बता रहा था कि जो भी मुझसे एडवाइस लेता है भाई, मैं तो कहता हूँ वो काम करने में मतलब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें कोई यार स्किल डेवलपमेंट नहीं है। स्किल आप क्या सीखोगे, है ना, सिर्फ ड्राइव करते रहो, ये बाइक राइडर भी दो हेलमेट उठाओ और काम करो, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, इसलिए फ़ायदा नहीं है उसमें, कोई और काम करो जिसमें कुछ सीखने को मिले, है ना, इसलिए। लो जी पहुंच गया जी 3 नंबर हॉस्टल, और वो है 2 नंबर ब्लॉक, नहीं 3 नंबर वो भी ब्लॉक है, और ये है 4 नंबर ब्लॉक, ये है रूम। बीए बीएड वाले अपने स्टूडेंट है और रूम का हाल है कुछ ऐसा, यहाँ पे बैठ के पढ़ना है क्योंकि यार एग्जाम आ गया दिसंबर में, एग्जाम देने और इसके बाद भाई कैब कूब छोड़ देनी है। वैसे कैब मैंने छोड़ी हुई है, मैं कभी कभी चलाता हूँ कैब अपनी, ज्यादातर मोस्टली तो ब्रदर ही चलाता है, बड़ा भाई, ठीक है, मैं तो खर्चा निकालना होता है जब तब चलाता हूँ। और फीस निकालनी है, अभी फीस निकालनी है, वैसे अभी व्लॉग्स आएंगे है ना कैब वाले, पर फिर बंद कर देने, उसके बाद शायद देखो क्या होता है, घर जाना है वैसे तो प्लान है, आईएएस बनना है यार। लो यार पढ़ते पढ़ते मैंने व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया और जो कैब ड्राइवर अपने भाई चंडीगढ़ वाले उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख लो, ये लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। और एक रिकॉर्डिंग आई है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मोहाली में और ड्राइवर के साथ वाली सीट कंडक्टर सीट पे लड़की बैठी हुई थी, उसकी टांग पूरी टूट गई है, ड्राइवर को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी पर कार भी पूरी डैमेज आगे से हो गई है, कार तो बन जाएगी लेकिन यार कस्टमर को चोट लग जाती है, जो कस्टमर बैठे होते हैं और ड्राइवर अपने भाई कैब वाले, है ना, रिस्की है थोड़ा। बाय द वे अंडरवेयर आ रहे हैं, सॉरी माफ़ करना यार, कोई हाल नहीं कैब वाले का बेचारे का। वेलकम बैक, अपना बाइक राइडर बंटी इज बैक। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था एक बुक और ये अचानक से टपक पड़ा, क्योंकि ये तो रहता है ना नया गांव, अलग से रूम लिया हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आ गया, मैं तो पढ़ने आया था, ये पढ़ रहा हूँ बाय द वे। आ पढ़ रहे हैं जी स्मोक तो समाधि वल, ओशो मतलब बेसिकली बेस्ड ऑन सेक्स एंड उसके बाद समाधि, इसी दे मतलब स्पिरिचुअल बुक है और सेक्स के बारे में बताया गया, बहुत अच्छी बुक है। की ऐसी जाना यार, सेक्स इज नॉर्मल इज नेचुरल लाइफ फोर्स है, इन्हें दर्शा गया जहाँ से एक जिंदगी मिलती है ना, पर इन्हें नुकसान भी बड़े ने, नुकसान नहीं मतलब बंदा पागल हो जाता है, पागल इन द सेंस के चीजों समझना चाहिए यार, अंडरस्टैंडिंग ना समझो, अपनी बॉडी ना समझो, है ना, कि बॉडी रिएक्ट कर रही है, कैसे बॉडी रिएक्ट कर रही है और है ना हार्मोन चेंज हो रहा है, ये फलाना ढिमकाना बहुत सारी नॉलेज, बड़ी बड़ी बातें है। मैं स्कूल ली है नहीं दिया, जो मर्जी खा, चाह मैं पी ली, मैं तो पढ़नी। शाम के 6:30 हो गए हैं और अपनी कार इधर खड़ी हुई है, क्यों, क्योंकि इसका देख लो यार टायर की क्या हालत हो गई है, ब्रदर भी काम पे नहीं जा पाया, ठीक है, मैं तो वीडियो से बनाता हूँ पढ़ता हूँ, वो काम पे नहीं जा पाया ड्यू टू दिस, ठीक है, सुबह गया था और दोपहर को जो स्टिपनी थी, स्टेपनी कहते पता नहीं क्या कहते यार, टायर था ना जो इसका पूरा व्हील और पूरा सिस्टम, वो अपने तारी दासी जेड़ा तारी गड्डी अपनी भरा चलाता है एक होर, उन्हें को गड्डी स्विफ्ट वो लेके चला गया,
और भाई ये नया ढूंढने गए हुए हैं ब्रदर दोनों। ये देख लो बेचारे टायर की क्या हालत हो गई है, और वैसे कार धुल गई है अपनी स्लैरियो, क्यों, क्योंकि यार बारिश हुई है ना इसलिए। और यार वो ब्रदर गया हुआ है टायर पता करने पूरा, ठीक है, टायर नया डलवा के फिर दबा के काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार मैं फीस भी पे करनी है और घर पे पैसे भी देने हैं थोड़े, इसलिए मजबूरी है, ठीक है। तो इसलिए भाई जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट उसको यार मतलब पार्ट टाइम ऐसे काम करने में फ़ायदा है, अपनी कार लेके करोगे तो बस इसमें ही उलझे रहोगे जैसे मैं उलझा रहता हूँ भाई, स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाती है, एग्ज़ाम रह जाते हैं। 14 सितंबर हो गई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम है, और अभी मैंने फ़ीस भी पे करनी है अपने एग्ज़ाम की, एडमिशन की, ठीक है, वो फ़ीस निकालनी है प्लस बाकी के खर्चे, तो अब ये दिन ख़राब होंगे। ख़राब क्या, वैसे काम ही होगा यार, घर पे पैसे भी देने हैं, इधर भी देने हैं, लेकिन बंदे को हार्डवर्क स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है अगर आप स्टूडेंट हो और अपना बिजनेस स्टार्ट करके करते हो तो, ठीक है, क्योंकि इसमें काम अभी बहुत ज़्यादा कम है। मैं तो पंगा ले लिया जी ये काम करके शुरू, तो वधिया कोई होर कर दे जिंदा स्किल डेवलपमेंट होती, इसमें क्या ये ड्राइव करते रहो 5 साल भी ड्राइविंग सीखोगे और क्या सीखोगे टा। सॉरी यार मैंने ना आज गुस्सा बढ़ाया, तो चलो आज से लेके काम शुरू करते हैं, आज से नहीं मतलब कल से, आज तो कार सही करवाते हैं, ठीक है। लो जी टायर चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है, ये नया पुराना लेके आए थे सेकेंड हैंड है, कौन सा केड़ा है जी, क्लैबर, हाँ क्लैबर, और इस I20 पे लेके जाना है स्लैरियो का टायर, और चेंज करवा के लाना है, वो वाला यहाँ पे डालना है, यहाँ से उतार के ये वाला डालना है। लो जी ये वाला टायर चेंज कर दिया है, इससे मतलब ये वाला रिमूव कर दिया पुराना, ये जो ते आ गड्डी I20 आ वीर दिए, वो आप जाके दस दे कौन ने कितों आए ने, ठीक है, इतों आप कराइए जी 15 सेक्टर तो, चलो फिर आना, चलो I20 मैं चलावगा मैं, ये भाई अपने यूट्यूब वाले ने अपने वीर आए हुए सी सबसक्राइबर यूट्यूब वाले, एंड काफी वधिया नेचर है जी इन्हां दा, पिछे भाई दा नाम है प्रीत विरक है ना जी, ते वीर दा नाम है गुरजंट मट्टू, गुरजंट फ्रॉम कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद, कुरुक्षेत्र, ठीक है। एंड यूट्यूब वाले जो भी अपने वीडियोस देखते हैं भाई, मैं नीचे नंबर दे दूंगा, अगर मतलब कोई कैब वाले हो स्पेशली वो मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करें चंडीगढ़ में, उस पर वीडियोस बनाएंगे अर्निंग वाली, या फिर कुछ भी कैब से रिलेटेड कुछ भी इशू होता है तो उसको आगे लेके आएंगे जरूर। और अब चेंज करना है टायर, पीछे डिक्की में है स्लैरियो में डालना है, चलो फिर उससे पहले थोड़ा ना मतलब चहल पहल जी चलती भी थोड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, भाई को गड्डी है I20 ते थोड़ा है ना आनंद जहा मान रहे आनंद, समझ रहे हो, शाम का लो जी I20 खड़ी जी इधर कुरुक्षेत्र वाले अपने वीर जी प्रीत विरक, बुलट खड़ा है आ वाले अपने वीर दा आ वाले जग्गा, ते अपनी आ खड़ी है जी कैब स्लैरियो, काम चल रहा है जी केड़ा, ए आ वेख लो ए आ बैठे रे मुंडे साडे स्टूडेंट बीए बीएड, ठीक है, आपने जिमीदार वीर जी, ते टायर दा प्रोसेस जा चल रहा है, वड्डा वीर अपना बदलो मुंडियो छावा इत्थे जैक लाना सी जी इत्थे इत्थे जे, पर मुंडे ने लाता उधर इस साइड ला दिता, ते गड्डी उपर हो नहीं रही, ते अपना नट जेड़े जी आ वाले टाइट हो नहीं रहे, हुण इधरों उतार के लाना है जी, ए इधर एक तो जी इन्हां नूं जैक लाना नहीं आता सी, गलत जगह लाया, ठीक है, पर फाइनली टायर चेंज हो गया, मार्केट से लेके आए थे सेकेंड हैंड 1000 रुपए का, अब वो 1000 रुपए, ठीक है, और मेरी बीए की फीस और इस रूम का रेंट जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, ठीक है, इनके पास पबजी वाला अपना करण ओ बंटी राइडर सुता पे, और इसके बाद काम फुल करना पड़ेगा कल से, नए व्लॉग कार वाले, ठीक है, जहाँ पे अपन पैसे छापेंगे, फिलहाल के लिए गुड नाइट, चलो कल मिलते हैं, चलो फिर गुड नाइट।